Hi everyone, welcome back to my channel Sweet Lifestyle. I'm Sweety. So in this video today I'm sharing bridesmaid makeup look, wedding guest makeup look. So इस look को आप अपने sister, brother एंड अपने फ्रेंड के शादी में लुक क्रिएट कर सकते हो. बहुत ही प्यारा लगेगा. सो और ये बहुत ही मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ये लुक क्रिएट की हूँ. तो अगर आप देखना चाहते हो उस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस पे टोनर अप्लाई की हूँ, और टोनर अप्लाई की हूँ मैं गुड वाइब्स की रोज़ वाली. नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फेसेस की, एंड हाइड्रो फेस मॉइस्चराइज़र. सो इसे मैं फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर है ये. सो आपको आपके फेस पे हाइलाइटिंग के साथ आपको अच्छे से फेस को प्राइम भी करेगा. नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए आज यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की पेन स्टिक फाउंडेशन, एंड ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लगा मुझे, एंड मुझे बहुत ही पसंद आया. बहुत ही अफोर्डेबल है, जस्ट 150 रुपीज़, एंड अगर आप इसको डिस्काउंट में खरीदोगे तो और अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा. नेक्स्ट कंसीलर के लिए यूज़ की हूँ मेबलिन की फिट मी कंसीलर, एंड इसमें जो मेरी शेड है वो है 20 सेंसिबल. सो मैं जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ की हूँ इस लुक में, तो सारी की डिटेल एंड जो भी शेड वगैरह यूज़ की हूँ सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. सो इसे मैं अपने यूज़र प्लेस पर अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ. मैं कंसीलर एंड अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो इसमें जो मेरा शेड है वो है नेचुरल, एंड इसी से मैं अपने जहाँ मैं कंसीलर अप्लाई की थी यूज़र प्लेस पे, वहाँ पहले अप्लाई करके देन एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से सबको डस्ट आउट कर लूँगी जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है. मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के लिए वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्रोकेट, एंड इसे मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ. नेक्स्ट आई शेडो पैलेट यूज़ की हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की ये पैलेट, एंड पैलेट नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इसमें से ये डार्क वाइन शेड लेके इसे मैं अपने क्रीज एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ, क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, देन अपने पूरे आईलिड पे भी, देन सेम शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मच कर रही हूँ. नेक्स्ट पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की 32 कलर आई शेडो पैलेट, एंड इसमें से मैं शिमरी फाइन शेड लेके इसे मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी. एंड ये जो मैं आई लुक क्रिएट की हूँ बहुत ही ईजी है. मैं ये बेसिकली बिगिनर के लिए मैं ये लुक क्रिएट की हूँ. सो आप ये एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप लुक बहुत ईजी वे में क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट सेम पैलेट से मैं हाईलाइटिंग शेड लेके अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ. मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की कोलोसल आईलाइनर, एंड इसे मैं बहुत ही बेसिक एंड पतला सा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस की काजल, एंड इसे मैं अपने अपर एंड वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे मेबलिन की हाइपोकर्ल मस्कारा, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लैसेस को कर्ल करूँगी कलर की हेल्प से, एंड देन मैं यहाँ पे कोई भी फेक लैसेस नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कलर यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की. सो इसमें से मैं कंटूरिंग शेड लेके अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी, देन अपने यूजर फेस पे ही कंटूर कर रही हूँ. इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही अपने नोज को कंटूर कर रही हूँ, देन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की सिग्नेचर ब्लश पैलेट. सो नेक्स्ट मैं हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की, एंड शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इसे भी मैं अपने यूजर प्लेस पे अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट
नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे कॉर्गी की मेरी लिक्विड लिपस्टिक एंड शेड आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी की। तो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। तो अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड लाइक शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। She's waiting for love.